नमस्कार, आरवी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू लच्छा नमकीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी बनाना। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 3 बड़े आलू, आधा कप मूंगफली, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। यह आलू को मैंने धोकर छील लिया है। तो हम सबसे पहले आलू के लच्छे बनाएंगे। इसके लिए हमें कोई भी मोटा वाला ग्रेटर चाहिए, उससे कद्दूकस कर लेंगे। बड़ी सावधानी से अच्छे से इस तरह से करते हुए आलू के लच्छे बना लेंगे। इनके लच्छे जैसे बनते जाएं उसी तरह से पानी में डालते जाएं, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। आलू जल्दी काला हो जाता है छीलने के बाद। इन लच्छों को अच्छे से दो बार धो लेंगे पानी से, ताकि इनके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। अच्छे से मसल मसल के पानी से धो लेंगे और पानी निकाल के इनका और एक कपड़े पर डाल देंगे ड्राई होने के लिए। इस तरह से फैला देंगे। इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इनको अच्छे से पोंछते हुए ड्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब इसमें ऑयल डाल देंगे। ये मैंने मूंगफली वाला लिया है, जब व्रत के लिए बना रहे हैं तो ये मूंगफली वाला तेल डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हाथ को इस तरह से ले जाकर देख लें कि हाथ पर अगर हीट पहुंच रही हो तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और एक लच्छा डालकर भी देख लेंगे, ये लच्छा ऊपर आ गया है, इसका मतलब ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें ये लच्छे डाल देंगे। इसमें अच्छे से झाग खत्म हो जाए उसके बाद चलाना है इसको। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, ना ही तो ज्यादा तेल गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। इनको जब तक तलना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए और ना ये क्रिस्पी ना हो जाए। कलर चेंज हो चुका है और ये क्रिस्पी हो गए, अब इनको निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से कढ़ाई में ही निकाल लेना है, एक्स्ट्रा तेल को। अब हम मूंगफली को भी इसी तरह से भून लेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही भून जाती है। अब इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है, तल चुकी है, इनको निकाल लेंगे। ये मूंगफली भी इसी में डाल देंगे और ये जो नमक लिया था ये डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। ये काली मिर्च और इनको अच्छे से मिला देंगे। ये हमारी आलू लच्छा नमकीन बनकर तैयार है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप एक डिब्बे में भरकर भी रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब खा सकते हैं। आई होप आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ऑल पर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।